आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी और पूरे गांव वालों ने उसे नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। दोस्तों, इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, यह घटना है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर गांव की। अलीराजपुर गांव के अंदर एक युवक रहता था जिसकी उम्र थी 25 साल और वह कपड़े का व्यापार करता था, यानी कि कपड़े की दुकान वगैरह थी, कपड़े का काम करता था। वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था, उसका कपड़े का काम था और वह कपड़े के काम की वजह से वह गुजरात चला जाता है घूमने के लिए। उसने सोचा कि मैं कपड़ा भी ले आऊँगा और वहाँ पर घूम के भी आ जाऊँगा। दोस्तों, वहाँ पर वह लड़का जब घूमने के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वो लड़की उसके पास के गांव की ही होती है। दोनों में बातें होने लगती हैं, दोनों में बातचीत का जो मौसम होता है, सिलसिला होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, वहाँ से लड़की का आने का समय हो जाता है, 4-5-10 दिन वो दोनों एक साथ रहे और फिर लड़की वहाँ से आने का लड़की का टाइम हो जाता है। लड़की अपने गांव आने लगती है तो लड़की उस लड़के से उसका फ़ोन नंबर मांगती है और वो लड़का भी उस लड़की का फ़ोन नंबर ले लेता है और फिर वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। वो अपनी दुकान पे चला जाता है और वो अपने घर आ जाती है। दोस्तों, समय बीतता है, वो दोनों फ़ोन पर आपस में बातचीत करने लगते हैं और रात रात भर वो आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, बातें किया करते हैं। समय गुजरता है और होली की छुट्टी पड़ती हैं, तो जैसे ही होली की छुट्टी पड़ती है तो जो लड़का था पड़ोस के गांव का, वह उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मेरी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। लड़की पहले तो मना करती है कि नहीं, मेरे घर वालों को पता लग जाएगा, तुम यहां पर मिलने के लिए नहीं आ सकते, हम कहीं और ही मिलेंगे। लेकिन लड़का जब जिद पकड़ता है तो लड़की कहती है ठीक है, तुम मेरे घर मत आना मिलने के लिए, मेरे घर के पास एक खंडर है, पुराना घर टूटा हुआ पड़ा है, वहाँ पर मिलने के लिए आ जाना, वहाँ पर किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, रात होती है और रात को वो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर के साइड में जो मकान होता है खंडर, उसमें मिलने के लिए आ जाता है और उससे फ़ोन कर देता कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तू आ जा। वो लड़की उससे मिलने के लिए उस खंडर में चली जाती है। वो आपस में मिल ही रहे होते हैं तभी उस लड़की के माँ बाप को पता लग जाता है और लड़की के माँ बाप उस लड़के को, लड़की को वहीं पर जाकर पकड़ लेते हैं और फिर रात भर उसके ऊपर मार कुटाई बजाते हैं, जो लड़की के माँ बाप होते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट जब आता है, क्योंकि रात को जो माँ बाप थे वो बुजुर्ग थे, वो उसके ऊपर इतनी अच्छी तरह से पिटाई नहीं लगा रहे थे, लेकिन उस लड़के की तबीयत जब ढीली हो जाती है, जब सुबह होती है, क्योंकि सुबह उस लड़की के रिश्तेदार, लड़की के पड़ोसी, उन लोगों के पड़ोसी, गांव वाले, आस पड़ोसी, वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो तरह तरह के तरीक़ों से उस लड़के में मार लगाते हैं, अच्छी तरह से उसको पीटते हैं। दोस्तों, उसके बाद कुछ लोग वो ये कहते हैं कि इस लड़के को नंगा करके पूरे गांव में घुमाओ बेल्टों से मारते मारते, तो वो लोग राज़ी हो जाते हैं और उस लड़के के कपड़े उतरवा कर उस लड़के को नंगा करके पूरे गांव में बेल्टों से मारते मारते उसको घुमाते हैं। दोस्तों, घुमाते घुमाते शाम हो जाती है, सुबह से लेकर शाम तक उसको नंगा करके बेल्टों से पीट पीट कर उस गाँव के अंदर उस गाँव के लोग घुमाते रहते हैं। तभी कोई उसका वीडियो बना लेता है और वो वीडियो को इंटरनेट पे डाल देता है और वीडियो पुलिस के पास तक पहुंचता है। पुलिस उस गांव में आती है और उन लड़के और लड़कियों को वहां से उठाकर ले जाती है। दोस्तों, लड़के को पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लड़के के घर वालों को खबर दी जाती है, लड़के के घर वाले उस लड़के के पास आकर बैठ जाते हैं और लड़का बेहोश था और जैसे ही लड़का होश में आता है तो लड़के के घर वाले कहते हैं कि बेटा हुआ क्या था, तो लड़का अपनी सारी घटना उन मम्मी पापा को बता देता है। उसके बाद साथियों, जब लड़के की आंखें खुलती हैं, यानी कि बेहोशी टूटती है, तो उसके ऊपर लड़की के द्वारा बहुत सारे केस, बहुत सारी धाराओं में केस उसके ऊपर फाइल कराए जाते हैं। लड़की का केस था लड़के के ऊपर कि ये मेरे घर में घुसा और इसने मुझसे ज़बरदस्ती की और इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, क्योंकि लड़की के ऊपर उसके घर वालों का दबाव था, इसीलिए उस लड़के के ऊपर उल्टे सीधे केस लगवाए गए थे। तो दोस्तों, अब लड़का फिलहाल हॉस्पिटल में था, आगे न जाने वो जेल में हो या फिर वो घर में ही रहे, वो आगे का मैटर आगे लोग जाने। अभी तक का मैटर ये था, अभी वो लड़का हॉस्पिटल में है और उसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई गई हुई हैं। इससे आगे अब लड़की वाले और लड़के वालों का आपस में फैसला हो या ना हो, वो आगे की कहानी है। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाओं में आप क्या कहना चाहोगे? क्या यहाँ पे लड़का गलत था या लड़की गलत थी?
यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि दोनों ही गलत थे, लेकिन जब दबाव आई तो लड़की ने अपने घर वालों के कहने से उस लड़के के ऊपर FIR करवा दी, कई केसों में मामला दर्ज करवा दिया। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, हमारे समाज एक तरह से समाज के अंदर जो समाज का आधार है उसको तोड़ने का काम करती हैं। इस तरह की जो घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो जाती हैं, तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको यह जो घटना होती है हमारी, ये कैसी लगती है, इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल तिरछी बात को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें सहयोग करें। दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।